श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप कुंवर जी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद उधम सिंह नगर में कोविड-19 वैश्विक वित्तीय लहर के दौरान उत्तराखंड शासन, स्थानीय प्रशासन एवं जन सहयोग के द्वारा मिशन हौसला के तहत लोगों की मदद की जा रही है। साथ ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिलीप सिंह कुंवर जी ने कहा कि भविष्य में यदि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाई किट या किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मिशन हौसला के तहत थाने स्तर पर गठित टीमों द्वारा सहायता की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में कोविड-19 वैश्विक द्वितीय लहर के दौरान उत्तराखंड शासन, स्थानीय प्रशासन एवं जन सहयोग के द्वारा जनपद उधम सिंह नगर पुलिस श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में मिशन हौसला के तहत कोरोना पीड़ित परिवार एवं व्यक्तियों को थाना स्तर पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न स्तर से सहायता प्रदान की गई, जो भविष्य में और वृहद स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। मिशन हौसला के तहत अब तक किए गए सराहनीय कार्यों का विवरण निम्न है। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में की गई मदद 150 सिलेंडर, अस्पताल बेड दिलाने में सहायता 46 वाट, प्लाज्मा डोनेशन में की गई मदद 9 व्यक्ति, 65 दवाई किट, 25 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 केजी के 361 राशन पैकेट, 45 कुक्ड फूड, 80 पैकेट दूध वितरित किया गया एवं 112 सीनियर सिटीजन की सहायता की गई एवं 5 रुद्रपुर और 2 नानक मत्ता में कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार भी किया गया। रुद्रपुर स्थानीय प्रशासन और जन सहयोग के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला प्रारंभ किया है। इसके तहत जनपद पुलिस के थाना, चौकी, सीओ लेवल पर, हेड सर्फिंग लेवल पर, जनपद मुख्यालय के स्तर से हम लोगों ने विभिन्न स्थान से जो पीड़ित पक्ष हैं, पीड़ित परिवार वाले हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, जिनको विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने सहायता प्रदान की है, उसका विवरण इस प्रकार से है। ऑक्सीजन लगभग 150 लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, 46 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराए, 9 लोगों को हमने प्लाज्मा डोनेट किया है। इसका प्लाज्मा डोनेशन का काम जो है जनपद उधम सिंह नगर पुलिस की स्तर से प्रारंभ की है। 65 मामलों में हम लोगों ने दवाई किट वितरित किए हैं और 25 इंजेक्शन हमने रेमडेसिविर के जो है उपलब्ध कराए हैं पीड़ित पक्षों को। 10 मामले में हमने 5-5 किलो का हमने लोगों को राशन पैकेट उपलब्ध कराया ड्राई फ्रूट का। 45 मामले में हमने लोगों को जो कुक्ड फूड है वो उपलब्ध कराया। 80 मामलों में लोगों को हमने दूध उपलब्ध कराया है और 8 मामलों में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस ने लोगों को दाह संस्कार अपने स्तर से सुनिश्चित कराया और 112 सीनियर सिटीजन्स को हम लोगों ने विभिन्न स्तरों पर उनको सहायता उपलब्ध कराया है उनकी मांग के अनुरूप। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्लाज्मा डोनेशन का काम इसी जनपद से शुरू किया गया है। इसमें अभी तक हमारे 6 लोगों ने, 6 कार्मिकों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूँ, हमारा एंटीबॉडीज हमारा टेस्ट हो गया है और किसी भी शॉर्ट नोटिस पर जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है उस हिसाब से अगर कहीं से मांग आती है तो हम उसके लिए भी हम सहज तैयार हैं। ये हमारा अभी तक का जो सराहनीय काम है वो उसका जवाब है। धन्यवाद। मेरे को ऐसे अपने हिसाब से अंदाज लगाना नहीं है इस समय इस काल में इस मतलब इमरजेंसी जो काल चल रहा है इसमें तो अगर आपको बुखार है, आपका कोरोना का जरा भी लक्षण दिख रहा हो तत्काल उसका पड़ सकता है। इसमें विलम्ब मत करिए, लोग विलम्ब कर रहे हैं उसका बहुत हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरे निवेदन ये की गई।